अरे हाँ, इंट्रो देना है तो। जी हाँ भाइयों बहनों, सही देखा आपने। आज की इस वाले वीडियो में होने वाला है माइनक्राफ्ट बट सैंड ड्रॉप्स ओपी आइटम्स। मतलब अगर हम तोड़ेंगे सैंड को, मतलब रेत को, तो मुझे मिलेगा एकदम ओपी ओपी आइटम्स। तो क्या हम उन ओपी आइटम्स को लेकर एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉन तो मैं पहले हो चुका हूँ और पेड़ दिख रहा है, पर आज पेड़ तोड़ के शुरुआत नहीं करेंगे, पर पेड़ ही तोड़ लेते हैं, क्या ही करेंगे हम लोग, कोई काम धंधा तो है नहीं। हाँ ये कर लो पहले। नहीं भाई, तुम मुझे पानी में, गड्ढे में गिरा दो, हर जगह गिरा दो भाई, क्या ही करूँ यार, गेम की शुरुआत अच्छी, पक्का मरूंगा मैं लास्ट में। तो सबसे पहले वुड काट लेते हैं, इसका बना लेते हैं हम प्लैंक्स, उसका बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और उसका बना लेते थोड़ा सा स्टिक्स। अब बनाते हैं शवल और एक पिकैक्स, क्योंकि भाई पिकैक्स तो चाहिए ही होगा, शवल से हम सैंड तोड़ने वाले हैं। तो मेरे सामने बहुत ज्यादा सैंड दिख रहा है और एक सैंड अभी तोड़ के देख लेते हैं। और तो मुझे पहले बार में डायमंड पिकैक्स मिल गया और भाई इससे पता चल रहा है कि ये मोड काम तो अच्छे से कर रहा है। देखते इसमें कौन से इंचांटमेंट लगे हैं। और इसमें लगा स्लेट टच अनब्रेकिंग 3 कर्स ऑफ वैनिशिंग और एफिशिएंसी 5। अरे बाप रे, तो अभी मैं ऐसे और भी बहुत सारे तोड़ूंगा और फिर मैं आपको लास्ट में जाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना लूट हुआ है। पिछले आधे घंटे से माइन कर रहा हूँ और अब जाके मुझे यहाँ पे आई ऑफ एंडर भी मिल गया है। और भाई कितना सब कुछ मिला है, देख सकते हो भाई, आर्मर टार्मर सब मिल गया है। और रात होने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि रात होने से पहले नेदर में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियन भी है, बस फ्लिंट और आयरन की कमी है, वो भी मेरे को सैंड से मिल ही जाएगा। तो मेरा नेदर पोर्टल एकदम तैयार हो चुका है और बस अब मुझे इसको लाइट अप करना है, और ये होगा लाइट अप। और अब मुझे जाना नेदर फोर्ट्रेस और ब्लेज ढूंढ के उनको मार रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है एंडर पर्ल्स। 12 seconds later. तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ। नहीं, भागो, नहीं, जल्दी भागो, यस, हाँ, बच गया। भाई साहब हार्ट अटैक दे रहे यार ये लोग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओह, बैशन मिल गया फाइनली। तो सबसे पहले मुझे पर्ल ले दो, मैं लाइटर से नहीं जाऊँ। वेट, आर यू किडिंग मी यार, क्यों यार, मैं इतना नोबड़ा क्यों, मेरे को पहले दिखा क्यों नहीं यार ये आई ऑफेंडर, क्या करे, अब आई गए तो बैशन भी एक्सप्लोर कर ही लेते। तो मैं आधे घंटे से अपना पोर्टल ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, पर मुझे हीरोइन पोर्टल मिल गया और मेरे पास डायमंड की पिकैक्स भी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ये रीबिल्ड कर लूँ, पर पहले देख तो लूँ, देख लो भाई कितना बड़ा है ये, चेस्ट में क्या है वैसे दिखा दो। इंचांटेड गोल्डन एप्पल, भाई इसका चांसेस क्या है तुम बताओ कमेंट सेक्शन में यार, इतनी ओपी लूट तो मेरे को आज तक कभी मिले ही नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मैं आ चुका हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में और अब मुझे बस लेना अपना आई ऑफ एंडर और मुझे जाना है सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। A few inches later. तो आई ऑफ एंडर इस तरफ लोकेट कर रहा था, तो मैं समुद्र का सीना चीर के जा रहा हूँ और इतना रो रो के इसने पूरा समुद्र पानी से भर दिया है। मैं उस बेकार से ओशन से थक गया था, इसलिए मैं आ चुका हूँ लैंड में और मुझे सामने विलेज दिख रहा है, इसका मतलब शायद से स्ट्रॉन्ग होल्ड इधर हो सकता है। तो मैं विलेज के अंदर जाऊंगा, एक आई ऑफ एंडर फेंकूंगा, अगर वहाँ पे पॉइंट हो तो अच्छा है, वरना भाई मेरा लक खराब है। तो अभी मैं फेंक के देखता हूँ, तो ये फेंका मेरा एंडर पर्ल। ए यार ये तो जा रहा है उस तरफ, इसका मतलब विलेज के अंदर तो नहीं है स्ट्रॉन्ग होल्ड, यार कितना घटिया किस्मत है। तो आप स्मार्टी पैक तो जानते होंगे, जो क्लच गॉड, पीपी गॉड और हर चीज में गॉड ही है माइनक्राफ्ट के, पर मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके आपसे एक चीज मांगता हूँ। देखो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो भाई उनके सब्सक्राइबर देखो 4 मिलियन होने वाले हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर देखो 4K भी नहीं हुआ, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भाई लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना तो मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, और वो है यस मॉडिफाई 1 महीने तक हिमलैंड्स की वीडियो नहीं छोड़ेगा। अच्छा हमको सिखा रहा है? तो भाई मैं मजाक कर रहा था, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करो, और नहीं करना तो मत करो, बस व्यू देकर चले जाओ, वॉच टाइम मिल जाएगा मुझे, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। समझ रहे हो ना? तो ये सब तो मेरा चलता ही रहेगा, अभी जाना है स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, क्योंकि उस एंडर ड्रैगन की चटनी बनानी है हमें। The next day. तो बहुत दिनों बाद फाइनली मुझे एक और विलेज मिल चुका है, और देखो यार मेरा एक एंडर पर्ल भी टूट गया, अब क्या ही कर सकते हैं, अब यहाँ पे फेंक के देखते हैं, मेरे को 12 तो चाहिए होंगे, 12 एनफ है मेरे लिए। और यहाँ पे देखो ये उस तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ से नीचे डिग डाउन करूंगा, क्योंकि अगर इसके नीचे मुझे नहीं मिला तो भाई कहीं पे भी नहीं मिलना।
2000 years later. तो यस, मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल गया और यहाँ पे इतने सारे गड्ढे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सिल्वर फिश आ गई थी और वो अपने दोस्तों को बुला ली और वो सारे के सारे ब्लॉक्स में कन्वर्ट होकर सिल्वर फिश बन गए. और यस देखो, मैं बस एक ही बचाई, ये सारे मैंने पहले प्लेस कर दिया क्योंकि भाई मैं मतलब मेरा रिकॉर्डर स्टॉप हो गया था, तो अब ये लगा दिया मैंने और अब मैं जाऊंगा उस एंडर कौवे को छीलने के लिए. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. तो जी हाँ भाइयों बहनों, मैं आ चुका हूँ एंड में और अब उस एंडर कौवे की खैर नहीं है. उसको ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा वो. अब देखो भाई, मेरे पास इलाइट्रा भी है और ये एंडर कौवा, मैं सारे के सारे आराम से तोड़ सकता हूँ, तो मैं सारे के सारे तोड़ लेता हूँ और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से पेलूंगा. A few inches later. जी ले अपने जिंदगी अंडर कौवे, ये तेरा लास्ट एंड क्रिस्टल है और इसको फोड़ने के बाद तू नहीं बचेगा. रोक रहा है मुझे, रोक, अभी फोड़ता हूँ. तो असल में मैंने उस एंडर ड्रैगन को छोड़ दिया, मैं उसको मारना नहीं चाहता था इसलिए उसने मुझे बिट्रे करके मुझे मार दिया. पर आप उस लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को छोड़ना मत, उस पर चप्पल मारो, उसको इतना मारो कि भाई वो दब जाना चाहिए. ठीक है, तो मैं मिलता हूँ दूसरी नेक्स्ट वीडियो के लिए और आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि अगली बार मुझे कौन सा मोड खेलना चाहिए. बाय बाय.